दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रताप शर्मा नहीं है, ये मेरे दोस्त का चैनल है प्रताप शर्मा का। मेरा दोस्त का नाम रशी, तो मेरा नाम है प्रताप भार्गव, ठीक है, ये आप सभी समझ लीजिए। और मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। लॉकडाउन के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। और ये मेहंदीपुर बालाजी की वीडियो है, और यहाँ पर एक सिक्कान फुट की मूर्ति है और एक गुफा है। गुफा के अंदर पूरा मतलब राम परिवार होता है, उसकी पूरी कहानी है। लेकिन मेरे को इस गुफा का ज़्यादा पता नहीं है, इस मंदिर का जितना होगा उतना मैं बताऊँगा, और आप देख लेना, वीडियो को आनंद लेना, वैसे शेयर जरूर कर देना। तो देखो गाइस, ये मंदिर है यहाँ पर, और ये इसका नाम हरिसोना, इस जगह का नाम। और देखो चलते हैं, और आपको दिख रहा होगा, ये देखो बालाजी महाराज की मूर्ति, 151 फुट की, जो मोबाइल के अंदर भी आती ना ही कैमरे के अंदर आती है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखो बहुत सारी यात्री आते हैं। और ये है श्री शनि देव महाराज का मंदिर, पहले आपको इसी से शुरुआत दिखाते हैं। चलिए पहले आपको ये दिखाते हैं श्री शनि देव, नवग्रह मंदिर है। ये देखिए प्रतिमा, देखिए इसकी, और ये नवग्रह का मंदिर है। ये दो ग्रह हैं, पूरे नवग्रह, देखिए आप आराम से। और गाइस, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, और ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। ये जो हमारे महाराज है शनि महाराज हैं, ये देखिए। और ये जो महाराज हैं, ठीक है, इनका राजकुमार नाम था, और ये अभी 3 महीने पहले ख़त्म हुए हैं, ये बीमार चल रहे थे। श्री राजकुमार ये यहाँ के पंडित जी थे, और कोई भी अगर इस पंडित जी को जानता हो तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ कहाँ से हो और इनको जानते हो क्या। और ये हमारे शनि देव महाराज है, आप तो जानते हो इनको, ये देखिए। तो चलिए आपको और दृश्य दिखाते हैं, जो मेन मंदिर है वो आपको और दिखाते हैं। ये देखो, देखिए यहाँ पर बहुत यात्री आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो थोड़ी दोपहर का टाइम है, और 17 तारीख तक ये बंद हुआ हुआ दशहरे के चक्कर में, ताकि अभी कोरोना चल रहा है ना, इसके चक्कर में बंद हुआ हुआ थोड़ा, तो 17 को खुलेगा मंदिर, सब देखना भीड़। और ये देखिए बालाजी की मूर्ति, 151 फुट की, जो ना ही तो किसी फ़ोन में आती है, ना ही किसी कैमरे में आती है। ये देखिए श्री राम और सीता माता जी है। देखिए गुफा दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये जो गुफा है, ये बोलते तो जब यहाँ पर जब रामायण चल रही थी, तब जो बजरंग बली जो समुद्र के ऊपर से जाते जा रहे थे, तो इनका नाम तो है, इसका क्या नाम है थोड़ा दिमाग से निकल रहा है मेरे, ये वही है जो सनी जो हनुमान जी को अपने मुख में डालना चाहती थी। इसका संसरीन सांसरीन ऐसा नाम है, बट मैं नाम नहीं जानता इसका। आप देखिए, देखिए हाँ, इसका है सरसा नाम, सुरसा नाम है, सुरसा, हाँ अभी याद आ गया, सुरसा, जो हनुमान जी की परछाई पकड़ी थी ना समुंदर से उड़ते हुए, वो है ये। ये देखिए इनके मुख से अंदर जाएंगे, बहुत ही बढ़िया प्रतिमा, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए गुफा, ये गुफा है बहुत ही अच्छी है, आराम से लोगों को आपको आनंद आएगा। और ये देखिए, ये है अंजनी माता, जो बजरंग बली की माता है ना, वो अंजनी माता, और ये है ना, ये बजरंग बली, बिल्कुल अद्भुत चीज़ है। और भी बहुत कुछ है, आपको दिखाएंगे अंदर चलते रहो। ये है अंगद जी, जो बजरंग बली के पुत्र मान जाते हैं, ये वो अंगद जी है। और इस गुफा का नज़ारा देखो आप, कितना मतलब अद्भुत खाली है, ये देखिए।
श्री राम। और यहाँ पर यात्री तो बहुत आते हैं, आप देख सकते हो जैसे इस वीडियो में कि कितनी सभा में यहाँ पर यात्री आ रहे हैं। ये सुग्रीव जी हैं, जब हनुमान जी उठ रहे थे तब मुख में डालने के लिए ये वो है। और ये श्री राम मंदिर जहाँ पर युद्ध की घोषणा हो रही थी, जब यहाँ पर सभा लगी थी राम जी की, वो है जो सभा है, देख लीजिए आप। अच्छा है, आगे थोड़ा अंधेरा है, फिर भी थोड़ा देखते हैं साफ आती है। पर इसमें आपको दिखता है इतनी अद्भुत चीज है। ये देखिए श्री शंकर भगवान जी यहाँ पर, ये श्री राम जी जो जा रहे थे नाव में बैठ कर, देखिए कितनी अद्भुत चीज है। अंधेरा इस गुफा में लाइट गई हुई है थोड़ा, इसलिए थोड़ा फोसा नहीं दिख रहा है। ये श्री विष्णु जी हैं, विष्णु देव भाई। आज ही ख्याल कर देखते अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। ये सीता माता और श्री राम है। अभी तो वही लगा इसमें फ़ोन से बना रहा हूँ, बट अगली वीडियो आएगी वो मैं कैमरे से बनाऊँगा और अच्छी वीडियो आएगी। ये भी बहुत अच्छी वीडियो है, देखना और इसका आनंद लेना। और ये श्री वर्मा जी है, चलिए आगे और दिखाते हैं आपको। और ये इनको जानते होंगे, जब रामायण कथा में लिखी थी श्री वाल्मीकि जी, वो ही जितना पता है वो बता रहा हूँ और आप देख लेना। अब यहाँ से मुख गुफा का मुख समाप्त होता हुआ और ये हमारे श्री वर्धन को दी जो तपस्या में लीन है। ये श्री दुर्गा माता जी हैं, दर्शन के लिए और ये शिवलिंग है। और ये देखिए बजरंगबली जी हैं, जो इनके हाथों पे मक्खियों का छत्ता लगा हुआ है पर ये किसी को मतलब खाते नहीं। और ये देखिए बजरंगबली जी हैं, जो इनके हाथों पे मक्खियों का छत्ता लगा हुआ है पर ये किसी को मतलब खाते नहीं। यहाँ पर अभी आपको सभी को अच्छी लगी हुई ये वीडियो, तो और भी इससे अच्छी वीडियो लाऊँ मैं, पर ये वीडियो देखना आप और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। और ये देखिए राम जी और सीता जी, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ पर यात्री तो बहुत आते हैं जैसे आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। चाची को लेके आएंगे एक बार। हटी हूँ। इनका क्या नाम है बिंदु का? और ये इन राक्षस को मैं जानता हूँ नहीं, ये कौन से हैं आप देख लीजिए, आपको पता हो तो कमेंट में बताना। और वो जो ऊपर खड़े हैं वो अंगद जी शायद, ये जो है ना ये अंगद। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? पर ये प्रतिमा मेरे को बहुत बड़ी बढ़िया से बढ़िया लग रही है, जो कि फ़ोन में भी नहीं आ रही है। ये देखो
कि श्री राम जी और सीता माता जी इनके सीने में बैठे हैं, वो दिखाते हैं आपको। और ये प्रतिमा भी एकदम बड़े से बढ़िया देख लो। अब एक बार चारों तरफ से देख लीजिए इनको, ये गुफा चारों तरफ फैली हुई है। और इस द्वार से आते हैं, ठीक है गाइस, यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म होती है। लेकिन ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और वीडियो में बताना किसी लगी वीडियो, आने वाली जो भी मेरी वीडियो है उसकी आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए तो बेल आइकन को जरूर।